स्टूडेंट वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल में मोस्ट कॉमन आपको जो इंडेक्स में जो रोमन न्यूमरल होते हैं वो 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 जिस आपको मोस्ट कॉमन न्यूमरल, ये जो आपको इंडेक्स में ओनली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रोमन न्यूमरल्स दिए हुए होते हैं। इनकी हेल्प से हम क्या लिखते हैं रोमन न्यूमरल। सबसे पहले 1 को हम लिखते हैं आई से, 5 को बी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से एंड 1000 को एम से। अब नेक्स्ट काउंटिंग स्टार्ट करने के पहले हम इनके रूल्स पे आते हैं। रूल, व्हेन ए स्मॉलर सिंबल इज आफ्टर ए ग्रेटर ग्रेटर सिंबल इट्स एडेड। व्हेन ए स्मॉलर सिंबल, जब भी कोई छोटा डिजिट, कोई भी छोटा सिंबल इज आफ्टर ए ग्रेटर सिंबल, किसी भी बड़ी डिजिट के बाद आता है, इसका मतलब वो नंबर उसमें क्या हुआ है, एड हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन ए स्मॉलर सिंबल बिफोर ए ग्रेटर सिंबल इट इज सब्ट्रैक्ट। व्हेन ए स्मॉलर सिंबल, जब भी कोई छोटा जो सिंबल है वो बड़े सिंबल के बिफोर पहले आता है, इसका मतलब वो उसमें से क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल होता है द सेम सिंबल कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन 3 times इन ए रो, कि कोई भी सिंबल एक रो में 3 times से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। अब हम इनको काउंटिंग बनाते हैं भर। सबसे पहले हम 1 को लिखते हैं आई, अब हम लिखेंगे 2। 2 होता है 1+1, 2 1+1, 1 को हम लिखते हैं आई से, 2 आई, तो ये कितना बन गया 2। 3 1+1+1 होता है इज इक्वल टू 3। अभी 1 को हम लिखते हैं आई, 1, 2, 3 3 times आई ये बन गया 3। अब हम नेक्स्ट आते हैं 4 पे। 4 यहाँ आएगा ये सबट्रैक्ट वाला रूल। 4 अगर हम 1, 2, 3 इन्हीं के सिमिलर अगर हम चले या इन्हीं के जैसे 1+1+1+1 इज इक्वल टू कितना होता है 4, अगर हम सेम करें तो हम 4 times आई, लेकिन यहाँ पे ये रूल है द सेम सिंबल कैन नॉट बी यूज मोर देन 3 times इन ए रो, कि कोई भी सिंबल 3 times से ज्यादा यूज नहीं होता है, इसमें ये रूल क्या हो गया रॉन्ग है। अब हम इसमें सब्ट्रैक्ट काउंट करेंगे। 4 इंडेक्स में 1, 4 से जस्ट बड़ा होता है 5, 5 minus 1 इज इक्वल टू कितना होता है 4, 5 minus 4 इज इक्वल टू होता है 1। अब हम 5 को कैसे लिखते हैं V, और 4 को when a smaller symbol before a greater, ये बड़ा है इसके पहले हम आई लगाएंगे, तो ये कितना बन गया 4, यहाँ पे ये रूल है। नेक्स्ट है 5 का, सेम होता है V। 6 5+1 6 से छोटा कौन सा होता है 5, तो इसमें हम 1 करेंगे प्लस। When a smaller symbol is after a greater symbol, when a smaller symbol, जब भी कोई छोटा सिंबल बड़े सिंबल के जस्ट बाद में होता है 5V, इससे जस्ट 5+1 को हम लिखते हैं आई से, ये बन गया 6। हम बनाते हैं 7, 5+2 7, 8 5+3 ये बनेगा 5, 1, 2, 3 ये बन गया 8। अब हम आते हैं 9, अगर हम सेम मेथड फॉलो करें 5+4 इज इक्वल टू कितना होता है 9 होता है। इसमें सेम है कि एक सिंबल 3 times से ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट 3 times यूज हो चुका है, इसका मतलब अभी नेक्स्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे 9 लिखने के लिए 10 एक्स, 10 माइनस
10 में से हम कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। बड़े डिजिट के जस्ट पहले कितना आएगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सिंबल, तो ये कितना बन गया 9, 10 के बाद 11, 10 प्लस 1, 10 को हम लिखते हैं एक्स राइट साइड में 1, 11 सेम ऐसे स्टूडेंट ये सिंबल कंटिन्यू हम इनको 1 से लेके 1000 या आगे तो हम इनको कंटिन्यू रख सकते हैं। बट आप अभी इनकी 1 to 50 आप इनकी प्रैक्टिस करना, इनके बेसिक मोस्ट कॉमन रोमन न्यूमरल्स इनके यूज से आप यहाँ 1 to 50 तक का क्या करना है इनको प्रैक्टिस करना। थैंक यू।